हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बेसन का चीला। बारिशें शुरू हो चुकी हैं और बारिश के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, इसको हम अब चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से बारीक कर सकते हैं चॉप। अब ये हमारा प्याज बिल्कुल चॉप हो चुका है बारीक, देखिए। इसको निकाल लेंगे एक बोल में। अब लेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर, उसको भी रफली चॉप कर लेंगे इसके अंदर। जैसे हम इसको डालेंगे ये बहुत ही क्विक इंस्टेंट हो जाता है इस चॉपर में। अब ये हमारे टमाटर भी चॉप हो चुके हैं। अब हम लेंगे तीन चार हरी मिर्च, इसको बारीक काट लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे दो क्लोव्स लहसुन की, दो कलियां लहसुन की, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। और साथ में एक इंच मैंने लिया अदरक का टुकड़ा, उसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अदरक और लहसुन डालने से ये बहुत ही टेस्टी लगता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। आप अदरक लहसुन की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें डालेंगे एक बड़ी कटोरी बेसन, पानी डालेंगे, धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे इसमें, ताकि ये लम्प फ्री रहे और इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच सूखा धनिया और एक चम्मच गरम मसाला और अजवाइन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसको हमने एक बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। अब इसमें हम अपनी वेजीज जो हमने काटी थी वो डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ढेर सारा धनिया। इस अनोखे तरीके से बना के देखिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा इस बारिश के मौसम में। और साथ में बनाइए एक गर्मा गर्म चाय। अभी भी मेरा ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है, मैं इस पर थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक लग रही है, देखिए ये परफेक्ट है, रेडी है चीला बनाने के लिए। अब हम एक पैन में तेल डालेंगे और इसको फैला लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी एक भर के करछी बेसन की, बैटर की। देखिए मैं इसको हल्का हल्का स्प्रेड कर रही हूँ। पहले हम एक साइड 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे, जब ये पक जाए तब हम इसको पलट देंगे। देखिए मैंने नीचे फ्लेम स्लो की हुई है, इसको स्लो पे ही पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और बिल्कुल कच्चा ना रहे। इसको हम पलटने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको हम दबा दबा के ही पकाएंगे। अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, देखिए अब मैंने इसको पलट लिया, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक और चीला बनाकर दिखा रही हूँ, इसको भी अब हम पलट लेंगे। देखिए ये मेरा बिल्कुल भी चिपका नहीं है चीला। अब ये बेसन का चीला बिल्कुल रेडी है, मैं इसको निकाल लूँगी। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय करिए। Do like, share, comment and subscribe to my channel. Till then, bye. See you in my next video.